ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। क्लियर, हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन कर लिए, क्लासिफिकेशन कर लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ग्रुप में बटे हुए इसको कर लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है इसको देख लिए, एनिमल पे क्या है, वुमेन पे क्या है, प्लांट पे क्या है, फूड पे क्या है, हम लोग इन सब चीजों पे देख लिए। इसके बाद हम लोगों ने डिजीज का लिस्ट बना लिया, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, वायरस से होने वाले डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, ये सब टॉपिक हमने कवर कर लिया। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था कि डिजीज कितने तरह के हो सकते हैं, इसमें हम लोग 10 तरीका डिस्कस किया था, 10 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इतने तरह के डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं बीमार हो के फिर ठीक हो जाऊं, पैर हाथ तोड़वा के प्लास्टर करवा के फिर फिट हो जाऊं। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि सर हम नहीं चाहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई नहीं चाहते हैं, नहीं चाहना भी चाहिए। तो अब एक चीज ध्यान देते हैं कि वो बीमारी जितने भी तरीके का है उससे बचने का प्राइमरी उपाय क्या है, प्राइमरी स्टेज क्या हो सकता है इन सब तरह के डिजीज से बचने का। आज के डेट में जो ये कोविड-19 जैसे, इसको कोरोना काल कह सकते हैं हम लोग, इन सिचुएशन में तो हेल्थ का डेफिनेशन समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बहुत आदमी ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। आप साइट पे देख रहे हैं कि रिकवरी रेट क्या है, 40% से हो गया है। कैसे रिकवर हो रहे हैं? रिकवर उसी आदमी की हो रही है जिसके इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग है। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन देयर एज, सेक्स, इटीसी। जिसके इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग है वो रिकवर हो रहे हैं। इवन 83-year-old पर्सन भी रिकवर हुए हैं, यंगर भी रिकवर हुए हैं। तो इन सब चीजों पर मुझे ध्यान देना है कि कैसे हमको फिट रहने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। इस चैप्टर में आपके पॉइंट्स ये नहीं है, बट हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। आप खुद भी अंदाजा लगाइए और हम आपको बताते हैं। साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम सब कुछ चाहेंगे कि बुक्स को नहीं डील करें, नहीं, कुछ आपको अपने भी लगाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रीकॉशन फ्रॉम डिजीज। हमको डिजीज ना हो इसके लिए मुझे क्या करना है, है ना? डिजीज ना हो इसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें फूड प्रॉपर चाहिए। ठीक है, फूड प्रॉपर चाहिए, और फूड ही नहीं चाहिए हम, ये आप रोटी, कपड़ा एंड मकान, ये तीन चीज का नाम आप सुने होंगे। ये चीज उसमें से एक बेसिक नीड्स है, फूड। बट यहां हेल्दी रहने की बात हो रही है तो कपड़े भी हेल्दी रहने की बात हो रही है, नहीं तो 10वें पॉइंट में हम लोग लास्ट में डिस्कस किया कि वैक्स तो भी काट लेगा, वो भी डिजीज, अनियस कर दिया तो वो भी डिजीज की कैटेगोरी में आएगी, तो क्लॉथ भी तो उसी में जाएंगे। तो फूड के साथ अगर इसमें आप, वो भी हेल्दी में जाएंगे, लेकिन वो कम्युनल में चला आएगा, उसको हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पॉइंट होना चाहिए फूड, कि कैसे फूड, कैसे कैसा फूड होना चाहिए, तो बैलेंस, है ना? फूड को ही हम डाइट कहते हैं ना, डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट हमको चाहिए। डाइट कैसा चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। ऐसा नहीं हमको डीबीसी खा लिए काम चल गया। ठीक है, डीबीसी खा लिए काम चल गया, देखते हैं कितने लोग डीबीसी का मतलब हमसे पूछता है, मैं अभी बताऊंगा नहीं, है ना? बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट के लिए हम लोगों ने फूड कंपोनेंट्स चैप्टर पढ़ा है। फूड कंपोनेंट्स जो नहीं पढ़े हैं, एक बार फिर से पलट के क्लास 6 के वीडियो में चले जाइए। क्लास 6 के दूसरे चैप्टर में मैंने फूड कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप एक बार देख सकते हैं फूड कंपोनेंट्स के विषय में। ठीक है, अब फूड के बाद आपको क्या चाहिए? फूड को प्रॉपर आपको डाइजेस्ट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत ही खतरनाक चीज एंट्री करता है, है ना? जैसे किसी भी चीज को जलाना हो तो
चाहिए ना ऑक्सीजन उसको जलाने के लिए। अब वही ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और वही आग जलती है। तो इन चीजों को बॉडी में जाना, उसके प्रॉपर जल जाना और जल के बाहर निकल जाना, ये कब संभव है? जब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज मुझे करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हो सकता है, देखिए भले ही कितना भी फूड आप ले लें, बैलेंस डाइट पूरा पूरा ले लें, लेकिन बैलेंस डाइट लोग प्रॉपर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? दो कॉज है। जैसे उसके एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि एक है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक जो है विटामिन होता है, मिनरल्स है। ये कहां होता है? तो टोमेटो में होता है। टोमेटो में माना जाता है कि एक टोमेटो में अप्रॉक्स 1 mg लाइकोपीन होगा। क्या होगा? 1 mg लाइकोपीन होंगे, ठीक है? अब WHO आपको पता है ना, हेल्थ के लिए जो भी रिकमेंड करता है WHO करता है, तो ये कहते हैं कि मुझे 20 mg माइक्रोग्राम हमको लाइकोपीन चाहिए। अब 20 mg एक टोमेटो में 20 mg, तो 20 mg लाइकोपीन खाना है, दैट मीन्स हमको टोमेटो 20 mg 20 टोमेटो पर डे खाना हो। अब बताइए, इसके दो कारण कि आप नहीं खा सकते 20 mg टोमेटो पर डे, 20 टोमेटो नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? टोमेटो का कीमत 80 रुपए केजी अगर मान लीजिए है, आप 20 टोमेटो आप ही खा जाओगे तो बाकी की फैमिली क्या खाएंगे? नंबर एक बात। नंबर दो कि 20 के 20 आप टमाटर ही खा लोगे तो फिर बाकी चीज खाने का जगह कहां रहेगा, इस कारण से भी आप नहीं खा सकते। तो हमको तीसरा पॉइंट यहां पे बनता है क्या? सप्लीमेंट बनता है। सप्लीमेंट देखिए, पुराने जमाने में लोग सप्लीमेंट के यूज नहीं करते थे। कहीं गए, एक नींबू का शरबत बना लिए, एक अमरूद है उसको चला गए, आम खा लिए, कुछ भी खा लिए, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था, तो सप्लीमेंट तो उनको मिलती रहती थी। बट अब सप्लीमेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है? सप्लीमेंट के लिए अलग अलग तरह से इसके सोर्स है, अलग अलग सोर्स से लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है? सप्लीमेंट मतलब आपको एक्स्ट्रा कोई चीज लेना है ये। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पॉजिटिव माइंडेड रहना पड़ेगा। देखिए, कहीं पे आप मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट, अगर किसी के घर में ऐसा होता हो तो अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कि खाना बहुत अच्छा से बना, मम्मी खाना बहुत अच्छे से बनाई, अब पापा आ गए हिलते हुए और दो चार लोगों को धर दिए, दो चार हाथ, खाना पचेगा, हो गया मूड खराब, ठीक है? इसी को कहते हैं पॉजिटिव मेंटिलिटी। बहुत घर ऐसे भी देखते हैं, चलिए मान लीजिए ये ले लीजिए, खाना बना हुआ है बहुत अच्छा, मम्मी ने खाना अच्छे बनाई, और पापा उधर से हिलते हुए आ गए, खाना का मजा गिर गया। एक वो होते हैं, और एक वो होते हैं कि पापा बाहर से आए और अच्छे से मीट लेके आ रहे हैं, जाते हैं घर पे बनाएंगे, मम्मी को देखो पूरा बर्तन किचन का पापा के सर पे। तो ऐसे भी पॉजिटिव मेंटिलिटी ऐसा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। टेंशन फिर भी आपको, तो टेंशन फ्री रहना है, ये फोर्थ पॉइंट होगा। उसके बाद जो पांच नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल हाइजीन का। देखिए, इसी सप्लीमेंट में हम लोग अभी डिस्कस किए, सप्लीमेंट में क्या 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 है अभी बहुत ही देखते होंगे सुनते होंगे, काढ़ा, तुलसी का काढ़ा पीना है, तो गर्म पानी पीना है, ये COVID-19 काल में तो बहुत चर्चा होता है कि कैसे सप्लीमेंट, गर्म पानी पीना है, तुलसी का काढ़ा लेना है, गिलोय का शरबत पीना है, ठीक है, जूस लेना है, सुबह सुबह उठते पानी पीना है, ये सब सप्लीमेंट कैटेगोरी में आता है। और च्यवनप्राश लेना, बहुत सारे चीज ऐसे है जो आपको हेल्दी मतलब बनाने की सप्लीमेंट के काम में आता है, तो सप्लीमेंट लेना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल हाइजीन। अगर सब कुछ लेते भी रहे और कुछ काम हम नहीं करें, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप ऐसे बनाते चलोगे, आप तो मेरा नोट्स बनाने का स्टाइल जानते ही हो, कैसे बनाते हैं, जो हम लिख रहे हैं आपको भी लिखते जाना है, समझते जाना है, इसको मिटा रहे हैं आप, फिर हम लोग फाइव को आगे कवर करेंगे, ठीक है? अब ऐसे ही चलते रहे। अब देखिए, अब हम लोग प्रॉपर हाइजीन पे डिस्कस करेंगे, फाइव नंबर को नहीं मिटा रहा हूं। प्रॉपर हाइजीन में क्या करना है, देखिए हम लोग इसको समझ लीजिए ऐसे कि कुछ काम हम लोग को नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्रॉपर हाइजीन में आप क्या करेंगे, नेल की जो कटिंग होगी, नेल्स कटिंग, इसको आप कितने दिन पे करेंगे? 3 महीने पे, ठीक है? इसको 3 महीने पे करना है, पर्सनल हाइजीन में आ जाएगा। कितने दिन पे? 3 महीने। हेयर कटिंग
हेयर कटिंग बताइए कितने दिन पे? 9 महीने चलेगा ठीक। ब्रशिंग, ब्रश है ना, ब्रश कितने दिन पे करिए? वीकली करिए, वीकली चलेगा, वीक में एक दिन चलेगा ना। उसके बाद जो नहाने का काम है वॉशिंग, इसको आप मंथली कर सकते हैं है ना। क्लॉथ जो है, क्लॉथ आपका महीने में एक दिन साफ हो फिर भी चलेगा ठीक है। उसके बाद खाने से पहले और खाने के बाद हैंड वॉश नहीं करना है। क्या करना है? हैंड वॉश नहीं करना है ठीक है, हैंड वॉश नहीं करना है, हम इसको नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद चलिए हैंड वॉश आपका हो गया, क्लॉथ भी हो गया। इसके बाद स्लीपिंग का जो टाइमिंग होना चाहिए कब से कब तक पता है? स्लीपिंग की टाइमिंग 2 बजे रात से 11 बजे दिन तक। ये स्लीपिंग की टाइमिंग पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत बढ़िया है ठीक है। और खाने पीने का टाइमिंग भी प्रॉपर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ईटिंग टाइम जो है, प्रॉपर डाइट, डाइट का जो टाइम है वो आपका चलेगा ठीक है। 2 बजे 3 बजे जब मर्जी हुआ खाली है। सप्लीमेंट के नाम पे कुरकुरे चलेगा, सप्लीमेंट के नाम पे कुरकुरे खा लीजिए, पिज्जा खा लीजिए, बर्गर खा लीजिए, समोसा खा लीजिए, ये सब सप्लीमेंट के नाम पर चलेगा क्लियर। प्रॉपर टाइम होना चाहिए। उसके बाद ये पर्सनल हाइजीन में ये सब आ गया, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, मास्क, मास्क नहीं लगाना है, मास्क नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट आज के ये न्यू बढ़ गए हैं। सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना है, सबके बगल में चिपक चिपक के चलना है, फिर क्या होगा? पर्सनल हाइजीन की बैंड बज जाएगी है ना। ऐसे जो लोग करते हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं कि सर ये सब नहीं करना है कि करना है? नहीं, ये सब करना है कि नहीं करना है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा नहीं करना है, आप नहीं करो, 1 महीने पे नहाओ, 9 महीने पे बाल कटवाओ, चलेगा। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हेल्थ की बात हो रही है, नहीं चलेगा। नेल्स की कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, हल्का भी बढ़ा नेल कटर लगाइए, नेल्स को कट कर लीजिए, नहीं तो उसमें जर्म्स हो जाते हैं, जर्म्स चले जाते हैं। हेयर कटिंग प्रॉपर होना चाहिए टाइम टू टाइम, बट आज के डेट में सैलून में जाना ना है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। ब्रश ट्वाइस, नॉट सिंगल, ट्वाइस, दो बार, दिन में भी रात में भी। नहाने का काम ठीक है, नहाने का काम जो बाथ है, बाथ, नहाने का काम रेगुलर होनी चाहिए, ठंडे पानी से, ठंडी में गर्म पानी से है ना। कपड़े आपके प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, साफ सफाई में होना चाहिए। खाने से पहले ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, खाने से पहले और खाने के बाद आपको हाथ धोना है। और आज के डेट में COVID-19 काल में तो दिन में जितने बार आपको, कई बार, दो चार, कहीं कुछ भी लग रहा है कि आप, हमने कुछ टच कर लिया तो हमें हाथ धोना है। स्लीपिंग मोड देखिए टाइम से होना चाहिए, 6 से 7 घंटा स्लीपिंग मोड होना बहुत मस्ट है, बट ऐसा नहीं कि 6 घंटा आप कभी भी पूरा कर देंगे, नहीं, कोशिश करना है कि 10 बजे सो जाए है ना, और 4 बजे हम जग जाए, 10 बजे से 4 बजे, 5 बजे भी आप जग सकते हैं, 5 बजे जग जाइए है ना। लेटेस्ट 6 बजे के बाद तो सोना ही नहीं है ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बड़ा अच्छा ये कोर्स है। स्लीपिंग टाइम से होना चाहिए है ना, और प्रॉपर डाइट टाइम, जिस समय आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि स्टमक में एक विलाई होती है, विलाई इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, विलाई प्रोजेक्शन होते हैं, वो विलाई का काम होता है फूड का एब्जॉर्प्शन करना। तो विलाई जो है वो फूड एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रॉपर टाइम में ये ज्यादा एक्टिव होता है, एंजाइम्स वगैरह ठीक है। हाँ, एक और इसमें पॉइंट लास्ट में नोट कर देते हैं चलिए, तो डाइट का एकदम टाइम प्रॉपर होना चाहिए। आप 10 बजे खाते हैं तो 10 बजे खाइए, हाँ कभी गलती से 9:30 में खा लिया, 10:30 में खा लिया, वो अलग बात है, लेकिन आप टाइम, हाँ स्कूल लाइफ में रहने वाले लोग टाइम मेंटेन कर ही लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज करिए रोज सुबह, कुछ नहीं तो उछल कूद, छत पे चढ़ना है, साइकिल चलाना है, कुछ भी तो करना है। खैर हम लोग इतने महानगर में नहीं रहते हैं कि पूरा पैक रहे ठीक है, उतना हो जाता है ठीक है। आज के डेट में मास्क लगाना है, ये प्रॉपर हाइजीन की बात है, मास्क नहीं लगाएंगे तो समझ जाइए मामला बहुत गंभीर है।
जो कम्युनिकेबल डिजीज है बाय एयर वो चला आएगा, ठीक है। सोशल डिस्टेंस, हमेशा किसी के बॉडी में टच नहीं कर जाना, हो सकता है कि कोई वायरस उसके बॉडी में हो, आपके कपड़े पे आ जाए, है ना, बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद जो यहीं पे लिख लीजिए कि जो फूड होगा ये प्रॉपर च्यूड होंगे, खाने की जो हैबिट होंगी, खाने की हैबिट होगी एंड प्रॉपर च्यूड, अच्छे से चबाएंगे, प्रॉपर च्यूड फूड होगा, अच्छे से चबा के तब उसको निकलिए। खाने के समय में पानी नहीं पीजिए, खाने के आधे घंटे पानी पीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर खाने समय मुझे प्यास लग जाती है, तो जब आप प्रॉपर चबाएंगे ना तो जो सलाइवा प्रोड्यूस होगा है ना, वो आपके फूड को एकदम इजिली पानी पीने की इच्छा ही नहीं रहेगी। ये हो गया पर्सनल हाइजीन की बात, पांच पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कम्युनल, एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं, पहले से लिखा हुआ है आप लिख लेंगे। अब है कम्युनल हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन के बाद हम लोगों का होगा कम्युनल हाइजीन। देखिए सिक्स पॉइंट, कम्युनल हाइजीन, ठीक है। अब देखिए गौर से, हमारा घर एकदम साफ सुथरा है, नो प्रॉब्लम, हमारे घर के बगल में एक नाला बह रहा है जिस नाले में पूरे काला काला पानी मुंह कर रहा है, इस नाले के बगल में 10-20 सुअर पड़े हुए हैं, पीक सोया हुआ है, और इस नाले में 2-4 मरे हुए कुत्ते बह रहे हैं, फिर पता चलेगा कि पड़ोसी का क्या हाल होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके, इसको बोलते हैं हमारे घर के सामने बहुत बड़ा सा ढेर रखा हुआ है कचरे का, हो गया, फिर तो आप कितना भी साफ सफाई रखेंगे बीमार तो पड़ना तय है। तो कम्युनल हाइजीन का मतलब होता है कि हम तो साफ सुथरा है ही, साथ में, ठीक है, साथ में हमारे जो आसपास की चीजें हैं, आसपास का क्षेत्र हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा इलाका साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब चीज में कभी कभी हमेशा स्कूल के बच्चों के साथ कंपेन चलती है ना, साफ सफाई का अभियान चलता है, उस कंपेन में सब लोग शामिल होते हैं, साफ सफाई के लिए जागरूकता फैलाते हैं, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, है ना। उसके बाद एक और चीज डिपेंड करता है जो हमारे और आपके हाथ में नहीं होते हैं, ये है गवर्नमेंट की प्लान, ठीक है। गवर्नमेंट प्लान में क्या होता है कि जैसे आप कम्युनल हाइजीन की बात की, तो बहुत सारे कचरा अगर रखा हुआ है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या बहुत ऐसे होते हैं जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है वहां लोगों की जिम्मेदारी होती है, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां क्या होता है कि उसके जो वेस्टेज है वो कॉर्पोरेशन के द्वारा वो मैनेज किया जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉपर जगह तो उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है, जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करके कहीं डंप किए गए, ऐसी जगह पे जहां लोगों को बीमारी ना फैले। तो ये इसमें गवर्नमेंट की प्लान भी बहुत असर करता है, ठीक है, प्रॉपर ये हेल्थ के लिए भी है गवर्नमेंट की प्लान। जैसे अभी COVID-19 का जो है, इसमें आप हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे प्लान गवर्नमेंट की होगी। हम आपको क्या करना है, हम आपको करना है, हमने जो लिखा पर्सनल हाइजीन के लिए, पर्सनल हाइजीन में जो पॉइंट्स है वो मुझे करनी है, वो मैं करूंगा, है ना। हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क लगाएंगे, अगर गवर्नमेंट कहती है घर से बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना है, है ना, गवर्नमेंट कहती है कि ये करना है तो करके देखें, जो पर्सनल बातें वो हमको करने हैं। लेकिन ये प्लान कहां से आएगा, ये प्लान यहीं से आएगा, जो भी प्लानिंग होगी यहीं से होगी। तो हेल्थ के लिए ये प्लानिंग यहीं से होनी है। अब मान लीजिए कि किसी भी कॉज से आपके किसी ने बीमार पड़ गया, तो हॉस्पिटल तो आप नहीं बना सकते, हॉस्पिटल तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। हॉस्पिटल अगर है भी तो बहुत कॉस्टली है, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर है बना भी सकते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसमें सब लोगों के लिए नहीं है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है ना। आप सुनते होंगे जच्चा बच्चा मां बच्चे सबके लिए प्रोटेक्शन है, ये सब गवर्नमेंट की प्लानिंग है। ये सब जिस भी देश में, जितने पॉइंट हम लोगों ने इन द माय पॉइंट्स ऑफ व्यू, ये जितने भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया अप्रॉक्स, अगर ये सब चीजें अगर है तो वहां के लोग हेल्दी है, वहां हेल्दी माने जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर कोशिश करें कि हम लोग इतने पर्सनल हाइजीन की बात तो सब लोग करें, गर्म पानी पिए, खाने के समय पानी नहीं पिए। देखिए बहुत कीमती चीज हमारे खाने के समय हमारे माउथ से बनता है, वो होता है सलाइवा, और जब सलाइवा अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो हमारे स्टमक में जाएंगे, वहां भी जो एंजाइम्स निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं, जो भी निकल रहे हैं, है, प्रोरेनिन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज अच्छे से डाइजेशन होगा, अच्छे से डाइजेशन होगी तो अच्छे हमको न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक, अच्छा हमारा हेल्थ होगा। तो ये सब चीज मेनली आज हमको डिस्कस करना, हाँ
एक चीज आप समझ लीजिए कि ये आपके बुक्स में प्रॉपर नहीं है, मैंने सिचुएशन के हिसाब से इसको डिस्कस किया है, ये सबको फॉलो करें, है ना, अच्छे से करें, मेंटेन रखिए, हेल्दी रहिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। आज पर्सनल हेल्थ के विषय में डिस्कस हुई, कभी हम लोग एक और पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बहुत पॉइंट हम डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, ये 8-7 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाउ टू इम्प्रूवमेंट योर इम्यूनो सिस्टम। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के निगेटिव पॉइंट क्या क्या है, उस निगेटिव पॉइंट, ठीक है। हाँ, एक चीज मैंने पहले बताया कि ये पॉइंट मे बी आपकी बुक्स में नहीं है, बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मुझे बताने की जरूरत महसूस हुई, मैंने बताया, आप इसको समझिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।